नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी है आलू और शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी। ये बहुत ही स्पाइसी और चटाकेदार बनने वाली है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। तो हम चलते हैं ये सब्जी बनाने के लिए। ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 3 आलू और 1 पाव शिमला मिर्च लिया हुआ है। और इनको मैं क्या करूँगा, आलू को पहले मैं छील के इनको मैं टुकड़े कर लूँगा और शिमला मिर्च को भी क्या करूँगा, कट कर लूँगा। तो मैं आपको पहले मैं डीप फ्राई करता हूँ आलू को। तो मैंने यहाँ पर बर्तन में 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसमें अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कट किए हुए आलू। तो इनको हमें क्या करना है, डीप फ्राई करना है दोस्तों। जब तक हमें आलू का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है, तब तक हमें चला चला कर ऐसे ही इसको सॉफ्ट करना है, मतलब कलर चेंज करना है आलू का। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आलू हमारे क्रिस्प हो गए हैं, मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह आपके आलू होना चाहिए इस सब्जी के लिए। तो अब बारी है दोस्तों शिमला मिर्च की। तो मैंने उसी बर्तन को ले लिया है और इस बर्तन में मैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया था। तो दोस्तों देखिए, शिमला मिर्च को मैंने इस टाइप के कट किया था। अब शिमला मिर्च को मैं इनको चला चला कर इसका जूस निकाल लूँगा। सिर्फ हमें जूस ही निकालना है दोस्तों, ज़्यादा इसे हमें सॉफ्ट नहीं करना है। जब जूस अच्छे से निकल जाए तब हमें क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और शिमला मिर्च को निकाल लेना है। शिमला मिर्च को निकालने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पर मसाला तैयार करने के लिए। तो मसाला तैयार करने के लिए दोस्तों मैंने उसी बर्तन को ले लिया है और इस बर्तन में मैं यहाँ पर डालता हूँ कुकिंग ऑयल 2 चम्मच। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा क्रैश होने का वेट करेंगे दोस्तों। जब जीरा क्रैश हो जाए तब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 2 हरी मिर्च। इसके बाद 2 प्याज बड़े कट करके यहाँ पर लिया है, बड़े स्लाइस में। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे खसखस 1/2 चम्मच, मतलब पोस्तदाना। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 2 इलायची छोटी वाली और फिर उसके बाद मैं 1 बड़ी इलायची यहाँ पर ऐड करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 5-6 लौंग और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 10 से 15 काली मिर्च के दाने। जो मसाले मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ वो थोड़े से जल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहले मिक्स कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 तेज़पत्ता और 2 चम्मच यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ मूंगफली के दाने। और फिर उसके बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। जब हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे से मसाले हमारे ये भुन जाएंगे, मतलब रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से। और अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं 1 टमाटर कट करके। तो इसको ऐड करने के बाद अब हमें सभी को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे दोस्तों। तो अब हमें यहाँ पर 1 मिनट तक ऐसे ही मिक्स करना है। तो जब 1 मिनट अच्छे से यहाँ पर हमारा जितने मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब हमें क्या करना है, इनको ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर एक ग्राइंडिंग जार में इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये हुआ हमारे मसाले। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए। मैंने उसी बर्तन को ले लिया है और इस बर्तन में मैं यहाँ पर अब ऐड करूँगा 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 चम्मच डाल देते हैं जीरा। तो जीरा यहाँ पर हमारा क्रैश हो रहा है और अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं तीखा करने के लिए लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच और इसके बाद हम यहाँ पर 1 चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर। अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। तो जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे उतना ही जल्दी हमारे यहाँ पर मसाले तैयार होंगे, मतलब पक्के तैयार होंगे। तो जब यहाँ पर मसाले खुशबू आने लगे तब हम यहाँ पर डाल देते हैं जो हम मसाला तैयार किए थे,
वो हम सब यहाँ पर डाल देते हैं। अब हमें क्या करना है, इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ये मसालों को। तो मसालों को हम जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। तो इनको मिक्स करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, ढक देता हूँ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए ढक देंगे तो 5 मिनट के जो बीच में होता है वो जो बर्तन में लग जाता है मसाला, उन्हें हमें क्या करना है, एक दो बार चेक कर लेना है और चला भी लेना है। और 5 मिनट यहाँ पर हो जाए तब हमें क्या करना है, कैप को उठाना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो तेल है मसाले के वो ऊपर आ चुका है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसे हमें एक बार और अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर ऐड कर दें आलू, और इसके बाद हम यहाँ पर शिमला मिर्च जो हमने यहाँ पर डीप फ्राई किए थे वो ऐड करने के बाद आलू और शिमला मिर्च को मसालों के साथ हम 2 मिनट तक अच्छे से भूंजेंगे। जितना हम इसको अच्छे से भूंजेंगे ना उतना ही अच्छा स्वाद आएगा दोस्तों। जब यह अच्छी तरह से भून जाए तब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 चम्मच नमक। नमक ऐड कर दिए हैं। नमक ऐड करने के बाद 1 मिनट तक इसे और अच्छी तरह से हमें इसको भूंजेंगे। तो जितना हम अच्छे से इसको भूंजेंगे उतना ही अच्छा हमारा ये आलू और शिमला मिर्च की सब्जी तैयार होगी। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 गिलास पानी ग्रेवी के लिए। तो जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ही आप यहाँ पर पानी ऐड कीजिए। अच्छे से मिक्स करके हमें क्या करना है, यहाँ पर कैप लगा देना है 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो पानी है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमारे 5 से 8 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी यहाँ पर सब्जी दिख रही है, आलू शिमला मिर्च की मसालेदार, ये बहुत ही स्पाइसी है। तो फ्रेशनेस के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ हरी धनिया की पत्तियाँ। हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे हमें 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी। तो देखिए बहुत ही ये स्पाइसी दिख रही है दोस्तों, आलू और शिमला मिर्च की। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, मतलब सब्जी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।